ये टिल्लू क्या बोला? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा। अगर हिम्मत है तो मस्जिद में घुस के दिखा। चलो आपको ना दो चार मजे की बातें एक साथ बताती हूँ। ओवाईसी जी के मंच से खड़े होकर हिंदू नेता दहाड़े हैं। कलेक्टिवली उन्होंने रामगिरी और नीतीश राणे को कहा है, छोटे टिल्लुओं सुन लो, गुस्ताख नबी तुम बन गए हो, मस्जिद के अंदर अगर घुसने की कोशिश भी करी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और सबसे फनी बात पता है क्या है, नीतीश राणे इस्लामिक हेट स्पीच दे रहा था, मुसलमानों को बुरा भला कह रहा था, जैसे वो हमेशा कहता है, भला तो कहता ही नहीं है, खैर दिल के अंदर उसके नफरत भरी हुई है ना। तो उस स्पीच के बीच में उसकी आवाज़ चली गई, उसने पानी पिया, उसने दवाई खाई, उसकी आवाज़ नहीं आई। उसके सामने जो नफरती चिंटुओं का झुंड खड़ा होकर उसका समर्थन कर रहा था ना, वो तक उस पर हंसने लगे। सोचो किस तरह की घनघोर भयंकर वाली इस चमन की बेइज्जती हुई है। हम तो यही कहेंगे कि और दो ऐसे नफरती बयान, अल्लाह ताला तुम्हें यहीं इस दुनिया में सबक सिखा देंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जिस तरीके की घटनाएं इन गुस्ताखे नबियों के साथ हो रही है ना, अगली बार मुझे लगता नहीं है कि ये जरूरत करेंगे ऐसे भड़काऊ भाषण देने की। इतनी बड़ी रैली निकाली गई इम्तियाज जलील साहब ने, बारिश के अंदर तक लाखों मुसलमान चलते रहे उस रैली में। इम्तियाज जी ने तो स्पीच तक दिया, मूसलाधार बारिश हो रही है पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उनका माइक खराब हुआ ना भीड़ इधर से उधर हुई। और यहाँ पे नीतीश राणे खड़े हुए, सब कुछ सही है, कोई बारिश भी नहीं है, किसी को छाता लेके भी खड़ा नहीं होना पड़ रहा, माइक भी बढ़िया है और इनकी आवाज ही चली गई, ऐसी गई कि कोशिशें करी इन्होंने कई मिनटों तक पर आवाज ना आई। ये बेइज्जती वाला वीडियो तो देखना, इट्स अ मस्ट, वो हम देखेंगे। फिर हमारे जो हिंदू भाई हैं, नेताजी हैं, उन्होंने जो पीसफुल पैगाम दिया है वो सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि अगर हमारे मुस्लिम भाइयों तक पहुंचना है ना, तो पहले हम तुमको सबक सिखा देंगे, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत है नहीं। मैं तो उतने दम से कह भी नहीं सकती जितना नेताजी ने कहा होगा, हमने सुना नहीं है, साथ सुनने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ढेर सारी बातचीत करेंगे। एंड आई एम गेटिंग इमोशनल ऑल्सो वाइल रिएक्टिंग ऑन दिस वीडियो, क्योंकि बुरा लगता है कि कैसे नफरती बातें ये कर देते हैं इस मुल्क में, हमारे भारत देश में, जहाँ तिरंगा लहराता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाता है। खैर इनको इन्हीं की भाषा में अब समझाने के लिए मजलिस जो है वो उतर गई है, बहुत बढ़िया किया है। नीतीश राणे की बोलती हुई बंद, स्टेज पर हिंदू मुस्लिम करते करते आवाज गई, पानी भी पिया फिर भी नहीं आई। पीछे खड़े में भी हंस रहे हैं। मैं देख नहीं सकती यार, इतना कितना फनी हो गया है। श्री राम, हे राम जी को अच्छा नहीं लगेगा, दवाई खाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। भाई ये तो एपिक हो गया यार, कर्मों की सजा इनको मिल गई, स्टेज पे वो भी, स्टेज पे दिया था ना पहले वाला भी भाषण। हो गया भाई तेरा, ये टिल्लू क्या बोला? ये टिल्लू क्या बोला बीच में? ये डेढ़ फुटे क्या बोला बीच में? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए
मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा। अगर हिम्मत है तो मस्जिद में घुस के दिखा। बस आई जस्ट लव इट मैन, दिस इज व्हाट इंडिया इज। मैंने उसको पूरा चैलेंज किया था, अगर मुंबई के कोई भी मस्जिद में तू घुसता है पहले हमको बता, जितने भी तेरे लोग हैं सबको लेके आ, तू अपने पैर से आएगा लेकिन अपने पैर से वापस नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम सबका रिश्ता क्या। मेरे दोस्तों ये टिल्लो हम लोग में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। Exactly. वो बीच में बोला कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो। अरे एक दिन भी पुलिस हट जाएगी तो वो घर के बाहर नहीं निकल सकता है मेरे दोस्तों। उसको बोलो एक दिन पुलिस के बिना तू घर के बाहर निकल जा, फिर देखता है तेरी हिम्मत क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। हम लोग यहां पे आज जलसा लिए हैं, सभा लिए हैं, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट रईस लश्करिया साहब यहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उस सिलसिले में हमने यहां सभा ली है। हम लोग यहां पे नारे लगाएंगे, हम लोग यहां पे जोश में आएंगे, हम लोग यहां पे नीतीश राणे को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। ये हरामी महाराज है, मैं महाराज शब्द यूज नहीं करना चाहता। बिल्कुल मत करिए यूज, वो है नहीं। रामगिरी नहीं, हरामी महाराज मैं बोला। हरामगिरी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ऐसे लोगों को महाराज बना के महाराज शब्द का अपमान कर रहे लोग। हम एक ही महाराज को जानते हैं, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके अलावा हम किसी महाराज को नहीं मानते हैं, हम दूसरे महाराज को मानते हैं, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज। वो तुकाराम महाराज के अलावा हम लोग किसी महाराज को नहीं मानते हैं। ये सब रामगिरी फालतू महाराज है, नाथू रामगिरी। ये जो भी महाराज बन गए हैं, ये भोंदू महाराज है, ये अपने पेट के लिए काम करते हैं, ये जाति जाति में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, ये धर्म धर्म में झगड़ा लगाने का काम करते, ये महाराज नहीं हो सकते है। मुझे शर्म आती है इस महाराष्ट्र में रहने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जो उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और संविधान में लिखा है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, इसका मतलब है कानून के सामने सब बराबर होते हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानून का जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उसकी साइड लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। और यही एकनाथ शिंदे बोलता है, अगर रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का लग जाएगा तो फिर ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे एकनाथ महाराज, अरे एकनाथ शिंदे, अरे तेरे बाप का राज है क्या, तुम्हारे बाप का कानून है क्या? कानून तो लिखा है, संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने। जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान पे ये देश और ये महाराष्ट्र चलना चाहिए। आप एकनाथ शिंदे साहब को मैं पूछना चाहता हूं, आप हिंदू के मुख्यमंत्री है या इस महाराष्ट्र के सब सिटीजन के मुख्यमंत्री है? वो बोलते हम हिंदुत्ववादी है, अरे हम लोग हिंदू नहीं है, अरे मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं। लेकिन मेरा मुख्यमंत्री कौन है? क्या हमको हमारा दूसरा मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा?
ये इलेक्शन का माहौल है मेरे भाइयों। व्हाट अ वंडरफुल स्पीच। यही तो हमारे देश के अंदर रिक्वायर्ड है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। कोई हिंदू मुसलमान के लिए खड़ा हो तो मुसलमान हिंदू के लिए खड़ा हो, क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। बचपन में हमको हमारी माँ ने वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी सिखाई थी कि ये पूरा संसार एक परिवार है, और यहाँ तो सिर्फ देश की बात हो रही है। ये बड़े राजनेता देश के अंदर लड़ाई झगड़े लड़वाना चाह रहे, कौन सी पार्टी ये चाहती है आप सब अच्छे से जानते हैं। 10 साल पहले ऐसा माहौल तो नहीं था, इतना नफरती भैया, दिस हेट्रेड वेव वी हैव एक्सपीरियंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई रियली होप कि ये लास्ट टाइम हो भाई, इसके बाद ये वेव खत्म हो जानी चाहिए। जब NDA सरकार आई थी ना, तो लगा था नहीं अब ठीक है, अभी ऑपोजिशन इज स्ट्रांग, ये हेट्रेड नहीं फैला सकेंगे। पर विश्वास नहीं होता कि वही माहौल जो पिछले साल था वापस चालू हो गया इलेक्शंस के बाद। NDA की सरकार होने का फायदा बहुत है, पर आखिर में रूल कौन कर रहा है, लीडर कौन है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। चलिए फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, इसी उम्मीद के साथ कि देश के हालात जल्द ही बहुत ज्यादा सुधरेंगे। हम तो लगे हुए हैं काम में, मोहब्बत फैलाने के काम में, प्यार जंगली आग की तरह फैलाने के काम में, और हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे साथ आप जो हैं, जो सच की आवाज को सुनते हैं, सच का हमेशा ऐसे ही समर्थन करते रहना दोस्त, और जितना हो सके समाज में क्रांति लाने की कोशिश करना। पर उसके चलते ऐसा ना हो किसी अंधभक्त से आप टकरा जाएं और उससे वाद विवाद करने लगे। आपने एक कहावत सुनी है ना कि बहस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, तो बदलाव वहां हम लाएंगे जहां लाया जा सकता है। चलिए टेक केयर, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।